पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जनपद के मैनाठेड़ थाना क्षेत्र के महमूदपुर माफी में उस समय हड़कंप मच गया जब मौजूदा ग्राम प्रधान के भाई की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर सर्किल के सभी थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना स्थल का जायजा लेकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मामला मैनाठेड़ थाना क्षेत्र के महमूदपुर माफी का है, जहां पर देर रात से ग्राम प्रधान का भाई किसी कार्य के लिए घर से निकला था, जो सुबह तक घर नहीं पहुंचा। घर वालों को गांव के जंगलों में उसका शव पड़े होने की सूचना मिली तो वो आनन फानन में मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि देर रात युवक के पास किसी का फोन आया था, जिसके बाद वो बाइक लेकर घर से निकला था और सुबह होने पर भी घर नहीं पहुंचा। घर वालों ने देर रात युवक की काफी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। सुबह होते ही जंगलों में उसके शव पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को बुला लिया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक युवक सीमेंट बजरफुट का व्यापारी था, जिसके चार बच्चे भी हैं। मौके पर पहुंचे एसपी देहात उदय शंकर सिंह का कहना है मामले की जांच की जा रही है और 6 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही हत्या का खुलासा किया जाएगा। घर में लेटा हुआ था, अपनी बीवी से उसने कहा कि पपीता काट के दे दो। उनने पपीता काट के दिया, इतने किसी का फोन आया। फोन आने के बाद में वो बाहर को चला गया। उसकी वाइफ बोली कि पपीता तो खा लो, रोटी खाना तो खा लो, तो बोले अभी आ गया, खाना खा रही हूँ। उनने अपनी भतीजे की दुकान पर मोबाइल की मोटरसाइकिल खड़ी करी और किसी से फ़ोन पर बात करने लगा। मेरे भतीजे ने कहा कि चाचा मैं दुकान बंद कर रही हूँ, तुम अपनी मोटरसाइकिल ले लो। उनने दुकान बंद कर दी और वो वहीं बातें करता चला करता रहा। लेकिन 11 बजे जब उसकी बीवी को पता चला, ना फ़ोन लगा ना वो आए, तो उनने हमारे घर फोन करा कि भाई साहब के ना उनका फ़ोन लग रहा है और ना वो आ रहे हैं। हमने 11 बजे के बाद में सब में तलाश शुरू कर दी। किसी से कोई रंजिश थी क्या? हमारी कोई रंजिश ना है ना ही थी। क्या करते थे ये? सरिया सीमेंट का काम करते थे हम, कारोबारी आदमी है। कब से गायब थे ये? 9:30 बजे से। कैसे पता चला आपको कि हत्या की गई है? ये पता चला कि उसकी अपनी बीवी से कह के आए थे, रोटी खाने के लिए तो बैठ रहे थे, किसी का फोन आ गया तो बोले मैं अभी आ रही हूँ 10 मिनट में। तो फिर 11 बजे तक उन्होंने फ़ोन न करा। हम 8 भाई अपने पास एक साथ बैठते हैं, जब कोई नहीं गया उन्होंने फ़ोन करा कि देखो आज तुम्हारे चाचा नहीं है, तो बोले नहीं है। तो जब हमारा भतीजा वहाँ पहुँचा, फिर उन्होंने हमारा भाई एक छोटा वाला प्रधान है गाँव का, उन्होंने उसे फ़ोन करके बुलाया 12 बजे। फिर हमने सब में ढूंढा फिरवाया पीटा, सब में खेतों में भट्टों में दिखवाया, नहीं मिला। सुबह हमने जाने के बाद में थाने में इत्तला दी। थाना मैनाठेड़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महमूदपुर माफी में अतीक नामक ये मृतक हैं, जिनकी हत्या की गई है। बताया गया है कि रात्रि गांव में ये 9-10 बजे रात्रि तक देखे गए, किसी से बात करने की घर से कहकर गए हुए थे, उसके बाद से वापस नहीं आए। परिवारीजन इनको तलाश करते रहे, सुबह पुलिस को इत्तला दी गई, इनकी डेड बॉडी यहाँ बरामद हुई है। पुलिस घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन कर रही है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, हत्या के पीछे कोई वजह सामने आई? अभी स्पष्ट रूप से वजह का पाना संभव नहीं होगा, अभी पूछताछ जारी है। विभिन्न दृष्टिकोणों से 6 टीमें इस पर कार्य कर रही हैं और शीघ्र ही इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।